सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, जो हम सब लोगों के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है, हम सब लोगों के लिए अन्न, जल इत्यादि की व्यवस्था करके हमारा कल्याण करता है और हमारे कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है, उस सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, उसी परमपिता परमात्मा ने जो सृष्टि के आदि काल में हम सब लोगों को वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया, उस वेद रूपी ज्ञान में जो यज्ञ का विधान है, जो यज्ञ के बारे में बताया है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो उस यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, और उस यज्ञ को करने से सारे भूमंडल का एक संतुलन बनाए रखने के लिए एक विशेष कर्म किया कहा जाता है। इसलिए हमारे पूर्व ऋषि मुनि पूर्व से ही घर घर में यज्ञ करने का प्रचलन करते आ रहे हैं, अपने आश्रमों में करते थे, यहाँ तक कि राजा महाराजा जो लोग थे वो भी बड़े बड़े यज्ञों को किया करते थे। तो ये जो यज्ञों की परंपरा है, ये जो यज्ञ करने का एक विधान है, वो एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत ही बड़ा श्रेष्ठ है। और इस यज्ञ को करने के पीछे जो रीजन है वो इतना बड़ा है कि केवल मात्र एक यज्ञ को करने से इतने सारे उनके लाभ हैं कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, हमारा मन भी शांत रहता है, हमारी जो बुद्धि है वो भी शुद्ध होती है, और उसके साथ साथ ये जो वायुमंडल है वो भी शुद्ध होता है, और ये जो पूरा भूमंडल है वो एक संतुलन में रहता है। जैसे अभी प्राकृतिक आपदाएँ इत्यादि आने लग गई हैं, तो प्राकृतिक आपदाएँ नहीं आती, कभी सूखा नहीं पड़ेगा, कभी अधिक बारिश नहीं होगा, कभी भूकंप नहीं आएगा, या फिर इस प्रकार की जो भी प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं उनसे हमारा बचाव होता है, और उसके साथ साथ हमारे जीवन के लिए एक सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ होता है हमारा कर्माशय, जिसके आधार पर हमारा अगला जन्म या हमारे जीवन की अगली परिस्थितियाँ या हमारे जो उन्नति के अवसर होते हैं वो सारा उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा अगला जो जन्म होने वाला है वो भी कैसे माता पिता ज्ञानी अज्ञानी या कैसे घर में धनी घर में या गरीब घर में या यश कीर्तिमान परिवार में या अपयश वाले परिवार में इत्यादि जो भी चीज़ें हैं या हमारा जो शरीर भी हैं वो स्वस्थ मिलना या रोगी मिलना इत्यादि सब इन कर्माशय के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इस यज्ञ रूपी कर्म को करने से वो जो हमारा कर्माशय है वो भी हमारा सही रहता है, और उसके साथ साथ हम यदि यज्ञ भाव से जिन किसी भी कर्म को करते हैं वो सारे के सारे कर्म करते हैं, तो हम जिस कर्म करते हैं उसके साथ हमारी आसक्ति नहीं बनती है, और उसके साथ जो हमारे फल को प्राप्त करने की इच्छा जो जुड़ी रहती है उससे हमारा भाव हट जाता है। इसी को तो कहते हैं यज्ञ कर्म, अर्थात त्याग भाव से कर्म करना, उस परमपिता परमात्मा को एक समर्पण भाव से, अर्थात हम जो भी कर्म करें इतना श्रेष्ठ करें कि वो परमपिता परमात्मा के हम पूजा के रूप में अर्पित कर सके, ये जो कर्म करते हैं उसकी पूजा मान करके हम कर्मों को करें, ऐसे श्रेष्ठ कर्मों को करें तो हमारा जो जीवन है वो उन्नत बनता है, श्रेष्ठ बनता है, निश्रेष्ठ की ओर अपर की ओर जाता है, और हम अपने जीवन में उन श्रेष्ठ उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं जो ऋषियों ने प्राप्त किया, जो महान बुद्धिमान और चरित्रवान जो महापुरुष थे उन्होंने जिन चीज़ को प्राप्त किया, ऋषियों ने जिन चीज़ को प्राप्त किया उनको हम भी प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके लिए एक साधन है हमारे लिए यज्ञ हवन करना और यज्ञ भाव से कर्म करना, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और उसमें जो हम यज्ञ हवन करते हैं तो उससे प्रथम पूर्व में हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो उस ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना है उसमें उस परमपिता परमात्मा की स्तुति, उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना और उसकी उपासना मानी उसकी समीपता की ओर हम जाते हैं। तो उस मंत्रों का हम अर्थ देख रहे थे, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमको बताया उस आधार पर। तो आइए उसी क्रम में हम अगले मंत्र का अर्थ देखते हैं। प्रजापते नत्वदेतानन्यो विश्वाजातानि परिताबभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम् श्याम पतयो रहीणा। अर्थात इस मंत्र का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, हे प्रजापति परमेश्वर, अर्थात हम सब प्रजाए हैं, हम सब जो प्राणी हैं उनका जो पति हैं वो जो ऐश्वर्यवान ईश्वर हैं उस परमपिता परमात्मा को कहते हैं, हे प्रजापति परमेश्वर, आपके अतिरिक्त अन्य किसी ने संसार के समस्त पदार्थों को उत्पन्न नहीं किया है,
अर्थात इन सारे पदार्थों को उत्पन्न करने वाला वो परमपिता परमेश्वर एक ही हैं, जिससे सारा जो दृष्टिगोचर जगत है उससे निर्मित होता है। एको अहम बहुश्याम, इस परमपिता परमात्मा के संकल्प के कारण ये सारा जगत उद्भूत होता है, हम सब मनुष्य के भोगापवर्ग को सिद्ध करने के लिए। इसी प्रकार आप सर्वोपरि हैं, हे प्रभु, हम जिस कामना के साथ आपकी शरण में आए हमारी वह कामना पूर्ण कीजिए, जिससे हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने। अर्थात हम सब जो जीवगण हैं, हमारे लिए उस परमपिता परमात्मा ने हमारे भोग और अपवर को सिद्ध करने के लिए इस पूरी समष्टि का उद्भव किया, और हम मनुष्यगण यहाँ आने के बाद हम उस परमपिता परमात्मा से याचना करते कि हे परमपिता परमात्मा, हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, आप हमको ऐसी गति दीजिए, ऐसी मति दीजिए, ऐसी दृष्टि दीजिए जिस दृष्टि से हम काम करके, जिस मति से हम काम करके इस धरती पर इस सारा जो आपका दिया हुआ ऐश्वर्य है उसका हम सही सही उपयोग कर पाए। ये सारा जो ऐश्वर्य है ये हमारे भोग और अपवर को सिद्ध करने वाला हो, ये जो सारा ऐश्वर्य है वो हमको दुख देने हारा ना हो। जैसे हम सामान्य रूप से जीवन जीते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हीं चीज़ों के बीच में रह करके कोई तो बहुत ही सुखी महसूस होता है, बहुत सुखी रहता है, और इसी सारे जगत में रह करके कोई बहुत ही दुखी रहता है। उन दोनों का डिफेंस क्यों हमको मिलता है? लेकिन परमपिता परमात्मा ने तो सबको समान ही दिया है, समान शरीर दिया है, समान बुद्धि दी है, समान कर्म करने के लिए हाथ दिया, सब चीज़ हमको समान दी हुई है। और इस धरती पर भी मतलब जितना हमको मिला इतना सबको, मानिए धरती, आकाश, वायु, जल, झरने, पृथ्वी, ये जो लहराते हुए वृक्ष, बहते हुए झरने इत्यादि, कितना सौंदर्य है इस धरती पर, सबको एक समान ही तो उस परमपिता परमात्मा ने दिया है। लेकिन हम अज्ञानता के वश आकर के और हम जिन दुष्ट कर्मों को करते हैं, जिन अशुभ कर्मों को करते हैं, जिन अशुभ सोच में जीते हैं, उसके कारण से, उस अज्ञानता के कारण से हमारे जीवन में यही सारी शुभ चीज़ें, यही सारा जो ऐश्वर्य है जो हमको सुख देने वाला है, हमको भोग देने वाला है, हमको अपवर्ग देने वाला है, वही सारा का सारा हमको दुख देने लग जाता है। कब? जब हम सही तरीके से काम नहीं करते हैं, जब हम अज्ञानता से युक्त होकर के कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है ना, हम कर्म करने से पहले पूर्ण स्वतंत्र हैं, और उस परमपिता परमात्मा ने भी हमको सारी शक्ति दे रखी है। इसलिए तो श्रीमद् भगवद गीता में भी तो कहा गया है, ये यथा माम प्रबद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रबद्यन्ते, अर्थात जो मनुष्यगण हैं वो हम सब उस परमपिता परमात्मा को जिस भावना से हम उसकी उपासना करते हैं, जिस भावना से युक्त होकर के हम उसको चाहते हैं, उसी रूप में वो हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और जिस चीज़ को लेकर के हम उसके सामने प्रस्तुत होता है, जिस मांग को लेकर के हम उसके सामने प्रस्तुत होता है, उसी मांग को पूरा करने के लिए वो शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात वो जो परमपिता परमेश्वर है, वो जो ईश्वर हैं, वो सबसे बड़ा हमारे लिए देवता है। अर्थात जो चीज़ हम उससे चाहते हैं वो सारी चीज़ हमको देता है। अर्थात हमारी आँखों में देखने की शक्ति, हमारे कानों में सुनने की शक्ति, हमारी बुद्धि में सोचने की, विचारने की शक्ति, और ये सारा जो हमारी मस्तिष्क में जो ज्ञान है उन सबको वही तो प्रदान करता है, और हम जैसी इच्छा करें उसके अनुकूल प्रदान करता है। और उसी ज्ञान को हम प्राप्त करके कैसे हम गलत काम में प्रवृत्त होते हैं या शुभ काम में, ये फिर हमको स्वतंत्रता दे रखी है। इसलिए कहा, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्थात हम किसी भी कर्म से, किसी भी रूप में हम जो उसकी उपासना करते हैं, उसी रूप में वो हमारे सामने उपस्थित होता है, और उस अंततः गत्वा हम उसी की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और ये सारे जो मनुष्यगण हैं एक दिन उसी के पास पहुंचते हैं। हम जब उनके पास तो पहुंचते हैं, लेकिन उन्होंने हमको जो एक कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है कि वो हमको शक्ति देगा, वो हमको ऊर्जा देगा, वो हमको ज्ञान देगा, जो हम चाहेंगे उसके अनुकूल देगा। लेकिन वो जो कर्म हैं, वो कर्म को करने से पूर्व तक हमारी पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि हम कुछ भी करें, एक काम को करें या ना करें, उस काम को करें या ना करें, वो चुनाव हमारे हाथ में होता है। लेकिन
उस चुनाव को करने के बाद जब हम उस कर्म को कर डालते हैं, उस कर्म को कर डालने के बाद उस परमपिता परमात्मा की एक व्यवस्था में चला जाता है, अर्थात वो जो कर्मफल व्यवस्था है वो परमपिता परमात्मा के हाथ में है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, जैसे बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे, अर्थात हम कांटे वाले पेड़ों को बोएंगे तो कांटे ही पाएंगे, फूल के पेड़ पौधे को बोएंगे तो फूल पाएंगे। इसलिए हम जो भी कर्म करें उस कर्म से पहले हम स्वतंत्र होते हैं, इसको करें या ना करें, लेकिन करने के बाद हम उसके फल के प्रति हम पराधीन हो जाते हैं। शुभ हमने कर्म किया तो उसका शुभ फल हमको सुख रूप में भुगतना पड़ता है, और यदि हमने गलत कर्म किया है तो उसका जो फल है पाप रूप फल, उसको हमको दुख रूप में भुगतना पड़ेगा किसी भी प्रकार से। इसलिए तो कहा है कि जो हम यहाँ पे कर्म करते हैं उन सारे के सारे कर्मों को करने से पहले हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म करने के बाद हम पराधीन हो जाते हैं, और ये जो पाप और पुण्य रूप हमारा कर्म बनते हैं, कर्माशय बनता है, उस कर्माशय में हमको निश्चित ही हमको उस कर्माशय को भोगना होता है। यदि पुण्य रूप ज़्यादा कर्माशय तो सुख विशेष इस धरती पर इत्यादि, और जो स्वर्ग इत्यादि योनियाँ कहते हैं वो भी हमको प्राप्त होती हैं और विशेष सुखों की हमको प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार यदि गलत कर्म है तो हम निम्न योनियों में, अधम योनि में, पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि योनियों में जाते हैं और दुख को कष्ट को भोग को हम भोगते हैं। और यदि हम मुक्ति को चाहते हैं तो हमारे जो वासना रूपी संस्कार हैं उन संस्कारों को हम दूर करें, उन संस्कारों को हम हटाएं, उसकी ओर हम साधना करें कि हम जो इस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन में हमारी जो ये वासना है कि कर्म के प्रति जो आसक्ति है, एक कर्म के प्रति फल की जो आशाएं हैं उनसे हम रहित हो जाएं, तो हमारा जो ये जीवन है इतना उज्ज्वल बनेगा, ये हमारा जीवन है इतना श्रेष्ठ बनेगा कि हम अपने जीवन को उस उत्कर्ष को हम प्राप्त कर पाएंगे जो पूर्व में महर्षियों ने पाया, जो पूर्व में ऋषियों ने पाया, उस पद को हम भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को भी हम निश्रेय से युक्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो कहने का अभिप्राय है कि हम मनुष्य लोग जिस भी चीज़ की कामना कर रहे हैं वो कामनाएं हमारी पूर्ण कीजिए और सब ऐश्वर्यों को हमको प्रदान कीजिए, अर्थात उस परमपिता परमात्मा ने तो हमको ऐश्वर्य प्रदान किया ही किया है, लेकिन हम अज्ञानता के कारण इसी ऐश्वर्य को प्राप्त कर करके हम दुखी हो रहे हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो विचारशील मनुष्य हैं, वो व्यक्ति इन सारी चीज़ों में ही अपना सुख ढूंढ लेता है, इन सारी चीज़ों से ही वो सुखी होता है, और इन्हीं संसार में रह करके व्यक्ति मोक्ष अपवर को प्राप्त करता है, इन्हीं संसार में रह करके वो इस प्रकार का कर्म करता है जिसके कारण वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, और इसी संसार में रह करके एक व्यक्ति एक इस प्रकार के कर्म करता है जिसके कारण वो देवता बन जाता है, और यही मनुष्य के इस प्रकार के कर्म करता है जिसके कारण से वो व्यक्ति नीचे की ओर गिरता है, अधम योनियों में कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जाता है। अर्थात हम जो भी कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने के लिए या नीचे गिरने के लिए, सारे रास्ते हमारे लिए इस मनुष्य जीवन में खुले रहते हैं। इस मनुष्य जीवन में इसलिए तो इस योनि को कहा जाता है कि ये उभय योनि है, कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। हम यहाँ कितना भी भोग सकते हैं और कितना भी हम पुण्य भी कमा सकते हैं। इसलिए इसको दो प्रकार की योनि कहेगी, अर्थात हम जो ये मनुष्य जीवन में हैं हम यहाँ पे भोग और अपवर दोनों को प्राप्त कर सकते हैं, और जो दूसरी योनियाँ होती हैं अर्थात ये जो हम इस जिस योनि में हैं उसमें हम कर्म भी कर सकते हैं और भोग भी भोग सकते हैं, मोक्ष अपवर को भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इससे इतर जो दूसरी योनियाँ हैं, चाहे देवत्व योनि कहे, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे अन्य जो योनियाँ हैं पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि कहीं पे भी जाए, तो वहाँ कहीं पर भी हम लोग जो हैं वो उस उत्कर्ष को हम प्राप्त नहीं कर सकते, या वहाँ से हम नीचे भी नहीं गिर सकते। वहाँ पे एक बंधन है हमारा, वहाँ पे हमारी एक निश्चितता है कि हम वहाँ पे जो हमारा निश्चय है भोग, उस भोग को ही हम भुगत सकते हैं, उससे अतिरिक्त हम ज़्यादा ना तो कुछ प्राप्त कर सकते हैं ना वहाँ से हम कम हो सकते हैं। जैसे हमने पुण्य कमाए हैं, जैसे हमने पाप रूप कर्म किए हैं, उसी के आधार पर हमारा जो ये जीवन अगला होता है, मानिए दूसरी योनियों में होता है, उसमें हम केवल भोग ही भोग सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते, अर्थात नया हम कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते। लेकिन ये मनुष्य जीवन एक ऐसा विशेष जीवन है हमारे लिए कि इस योनि में आकर के, इस जीवन में आकर के हम
कर्म करके बहुत बड़ा पुण्य भी कमा सकते हैं, अर्थात चारों ओर के रास्ते हमारे यहाँ खुले होते हैं। इस जीवन में हम जो कर्म करते हैं उसको यदि पहले सोचे विचारे और दूरगामी दृष्टि को देख करके रख करके और फिर हम कर्मों में प्रवृत्त हों, तो हम इस कर्मों के माध्यम से इतना ज़्यादा हमारे सामने ऑप्शन है, अर्थात हम स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं, हम देवत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं इसी जीवन में इस प्रकार के कर्म करके, और इसी जीवन में हम इतर योनियां जो कीट पतंग पशु पक्षी वहाँ भी जा सकते हैं, और इसी प्रकार इन सारी जो योनियां हैं इन सब बंधनों से छूट करके परम धाम जो परम श्रेय है, परम मोक्ष हैं, जो अपवर्ग हैं, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं इसी जीवन में। इसलिए ये जो मनुष्य जीवन है वो सबसे श्रेष्ठ जीवन कहा गया है, ये जो मनुष्य जीवन है वो सबसे कीमती कहा गया है। इसलिए हमको इस जीवन को इतनी सजगतापूर्वक, इतनी सतर्कतापूर्वक जीना चाहिए, हमको इस जीवन को इतनी श्रेष्ठतापूर्वक जीना चाहिए कि हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा उत्कर्ष को प्राप्त कर सकें, हम अपने जीवन में सबसे आगे से आगे विकास ही विकास कर पाएँ, क्योंकि ये जीवन एक हमको विशेष मिला है। यदि इस जीवन को हम सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसी ही हमारे जीवन के साथ घटना घट जाएगी, जैसे एक कहानी हम सुनते हैं कि जैसे एक लकड़हारा होता है, वो लकड़हारा एक जंगल में लकड़ी काटता होता है और उस लकड़ी को काट करके उसका कोयला बना करके वो बेचता रहता है, उसमें अपने जीवन को व्यतीत कर रहा होता है। और उसमें एक बार एक राजा उस जंगल में भ्रमण करने के लिए जाता है, शिकार करने के लिए जाता है, तो उसका जब शिकार करने के लिए जाता है तो राजा अकेला, उनके साथ जो लोग दूसरे आए हैं उन सब लोगों को वहीं पे जंगल के बाहर रहने के लिए कहते हैं और कहता है कि मैं अकेला आज शिकार करने के लिए अंदर जाऊंगा। और इस प्रकार वो जंगल में शिकार करने के लिए राजा जाता है और अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती है, और शाम हो जाने के बाद वो वापस बाहर नहीं आ पाता है, तो वहाँ पे वो चिंतित हो जाता, मैं कहाँ रहूँगा, क्या कहाँ खाऊँगा पीऊँगा, और यहाँ जंगल में जो प्राणी होते हैं, जो मांसभक्षी प्राणी होते हैं, उससे भी मेरा संकट है, तो मैं क्या करूँ। उतनी ही देर में वहाँ से एक लकड़हारा गुजरा और उस लकड़हारे ने उनसे पूछा और उस राजा से निवेदन किया कि आइए आप भी हमारी कुटिया पे, आज हमको भी अवसर मिलेगा आपकी सेवा करने का और हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। तो ऐसे करके उस राजा को अपनी कुटिया पे ले गया, उनको खान पान सारा और रहन सहन की सारी व्यवस्था की, और सुबह जैसे ही हुई तो वो जो राजा हैं वो बड़ा प्रसन्न हुआ उसके ऊपर और उनको एक दुआ देता हुआ कहता है कि तुमने मेरे जीवन की रक्षा की है, तुमने मेरे इस संकट समय में तुमने मेरे पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुमको जब भी कोई आवश्यकता हो तो अवश्य मेरे नगर पर आना, मैं तुम्हारी आवश्यकता को पूर्ण करूँगा। ऐसे आश्वासन दे करके वो राजा जंगल छोड़ करके वो वापस नगर चला गया। फिर बहुत दिन बीतने के बाद वो जो लकड़हारा है उसकी एक गरीबी आ गई, उसके परिवार में उसके घर में गरीबी आ गई। उस गरीबी आने के बाद उस लकड़हारे को याद आया कि एक बार वो राजा आया था और उस राजा ने मेरे को कहा था कि जब तुमको कोई ऐसा संकट हो, कोई आवश्यकता हो तो अवश्य मेरे नगर पर आना, तुम्हारी कामना पूरी करूँगा। तो चलो चलते हैं उसके पास, ऐसा सोच करके वो उस राजा के पास गया और वहाँ पर नगर में गया, उस महल पर प्रवेश किया तो राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ वो लकड़हारा वहाँ गया तो। और राजा ने उनको कहो कि बताओ तुमको क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, तुमको देने के लिए तत्पर हूँ। और उस लकड़हारे ने उनको कहा कि मेरे पास कोई धन संपत्ति इत्यादि नहीं है, तो मेरे को अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ आवश्यकता है तो आप पूरा कर सको। तो उस राजा बड़ा प्रसन्न होकर के उनको उस नगर का एक चंदन का वन था, उस चंदन के वन को उन्होंने दे दिया। और उस वन को दिया तो लकड़हारा बड़ा ही प्रसन्न हो गया और प्रसन्नतापूर्वक वो वापस गया। और फिर जैसे वो पूर्व में जीविका अपनी निभाता था वैसे ही फिर से उन लकड़ियों को काट करके कोयला बना करके फिर से अपनी जीविका जीने लग गया। फिर बहुत समय बीतने के बाद एक बार राजा के मन में आया कि चलो फिर से जंगल घूमने चलते हैं, शिकार करने चलते हैं। तो उसके मन में आया कि चलो वो एक बार लकड़हारे को हमने चंदन का वन दिया था तो उन्हीं के पास चलते, वो तो बड़ा ही प्रसन्न हो गया होगा, बड़ा ही वो धनवान बन गया होगा, बड़ा ही सुखी बन गया होगा, तो उनसे भी मिल लेंगे और उसी जंगल में हमको घूमना ही तो है तो घूम भी लेंगे। तो ऐसा सोच करके वो वहाँ पे गया और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे देखा तो सारा जंगल उस लकड़हारे ने काट दिया और कोयला बना बना करके बेच दिया। उसको देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और दो पाँच पेड़ बचे थे अंत में और उस समय वो पहुँचा
तो लकड़हारा था वो भी बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि महाराज जी, ये जो चंदन का इतना बड़ा वन आपने मेरे को दिया था, उस वन के कारण अभी तक का मेरा पूरा जीवन सुखपूर्वक बीत गया, लेकिन अब अंतिम कुछ साल मेरे जीवन के हैं, यदि कुछ और भी हो तो थोड़ा सा देंगे तो मेरा जो ये जीवन है, वो मेरा जो ये बुढ़ापा है, वो भी बड़ा सुखपूर्वक कट जाएगा। इतना बोलते हैं राजा आश्चर्यचकित रह गया और फिर राजा ने तलवार निकाल करके उस जो चार पांच पेड़ थी उसकी एक डाली काट करके उनको दिया कि जा इस लकड़ी को ऐसा का ऐसा बाजार जा करके बेच करके आ जा, तुम्हारा जीवन इसी पांच वृक्ष में पूरा हो जाएगा। और वो लकड़हारा जाता है और उस लकड़ी को बाजार में ऐसा का ऐसा बेचने जाता है और वैसी की वैसी वो लकड़ी बेचता है तो कई गुना उनको कीमत मिली, और उस कीमत को देख करके वो आश्चर्यचकित रह गया और इतना पछता रहा है अपने जीवन में कि इस राजा ने मेरे को इतना बड़ा ऐश्वर्य, इतना बड़ा धन दिया और उन सबको मैंने कोयला बना दिया। तो इसी प्रकार से हमारा ये जो जीवन है वो इतना कीमती है, इतना ज़्यादा विशेष है, और उसको हम छोटे मोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इधर उधर की विषय वासनाओं में बह करके और इधर उधर की बातों में बह करके हम अपने इस अमूल्य जीवन को ऐसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे चंदन की लकड़ी को कोयला बना करके हम नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमको भी अपने जीवन में संभलना चाहिए, हमको भी अपने जीवन उत्कर्ष की ओर आगे की ओर बढ़ाने के लिए ये जो यज्ञीय कर्म है, यज्ञीय भाव से जो जीना है, उसके साथ हमको जुड़ना चाहिए। इन मंत्रों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम अपने जीवन को त्यागपूर्वक जिए, हम अपने जीवन को एक श्रेष्ठ उद्देश्य को, श्रेष्ठ लक्ष्य को लेकर के, निःश्रेष्ठ मोक्ष अपर को लक्ष्य में रखते हुए अपने जीवन को जिए, खुद भी सुखी हुए औरों को भी सुखी रखे, खुद भी संतुष्ट रहे औरों को भी संतुष्ट रखने का प्रयास करें। अर्थात हमारे पास जो भी ऐश्वर्य धन संपत्ति ज्ञान है उसके अनुसार हम खुद भी सुखी रहे औरों को भी सुखी रखें और यज्ञीय भाव से कर्म करें, यज्ञ करें, हवन करें और यज्ञीय भाव से कर्मों करें तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाएंगे। तो आइए आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।